हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कमाल की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि आपको दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट निकाल कर दे सकती है। तो दोस्तों, जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी सारे लोग जो कि एक पैसों में सेल करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां से फ्री में आपके लिए इस स्ट्रेटजी का किस तरीके से यूज करना है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको इस कमाल की स्ट्रेटजी को यूज करना है, क्या सेटिंग्स रखना है, इसके बारे में हम विस्तार से डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरीके से आपको इस स्ट्रेटजी का यूज करना है, क्या आपको सेटिंग्स रखना है। सबसे पहले दोस्तों, यहां से आपको इंडिकेटर में जाना है। तो क्या क्या इंडिकेटर मैंने यहां से यूज़ किए हैं उसके बारे में दोस्तों समझ लेते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, यहां से मैंने मूविंग एवरेज इंडिकेटर यहां पे लगाया है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कमोडिटी चैनल इंडेक्स यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड की अगर बात करें, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये तीन इंडिकेटर मैंने यहाँ से यूज किए हैं, फर्स्ट, यह है सेकंड और यह है दोस्तों थर्ड। अब इसकी सेटिंग क्या क्या मैंने रखी है इसके बारे में भी दोस्तों समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से मेन चार्ट में जो मैंने मूविंग एवरेज जो लगाया है, मूविंग एवरेज की अगर सेटिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप बड़े ही आसानी के साथ देख पाएंगे, पीरियड में आप देख पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 10 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको 10 कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर दोस्तों 0 कर लेना है, यहाँ पर सिंपल रहने देना है। कलर्स में आप जो भी कलर्स यहाँ पर रखना चाहते हैं है, उस कलर को यहां पे आप रख सकते हैं और सिंपली दोस्तों यहां से आपको डन कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा मूविंग एवरेज। चलिए अब नेक्स्ट इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं, जो है दोस्तों कमोडिटी चैनल इंडेक्स। कमोडिटी चैनल इंडेक्स की सेटिंग्स की यहाँ पे क्या रखनी है, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ से आपके लिए पीरियड में 40 ही रखना है, ठीक है, पीरियड में आपको 40 कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अप्लाई टू में कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो लेवल है, लेवल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो लेवल में क्या क्या आपको रखना है, लेवल के बारे में समझ लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से आप जाएँगे तो फर्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पर फर्स्ट कर लेना है 100, ठीक है, फर्स्ट आपको कर लेना है 100 में दोस्तों यहाँ पर आपको बाय कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड जाएंगे आप, यहाँ पे दोस्तों 100 में आपको सेल कर लेना है, ठीक है, 100 में आपको ऊपर 100 में आपको बाय कर लेना है, 100 में आपको सेल कर लेना है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको 220 कर लेना है, ठीक है, 220 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल कर लेना है गाइस। क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग सेल। इसी के साथ साथ यहाँ पर -140 पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके की आपको यहाँ पे सेटिंग्स कर लेना है, ठीक है, कमोडिटी चैनल्स इंडेक्स में कुछ इस तरीके की आपको लेवल्स में सेटिंग कर लेना है दोस्तों, ठीक है। सेटिंग्स का बिल्कुल आपको ध्यान देना है, इस तरीके की सेटिंग्स आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों चलिए यहाँ से दोस्तों आप डन कर दीजिए, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर कमोडिटी चैनल है वो इस तरीके से यहाँ पर शो करेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आप समझ लेते हैं RSI के बारे में। यहां से RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए, आप गौर करिए, यहां पे पीरियड में आपको 1 कर लेना है, ये देखिए फ्रेंड्स पीरियड में आपको यहां से 1 कर लेना है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे आपको 4 पिक्सल कर लेना है। लेवल्स में आप जाएंगे तो दोस्तों देखिए लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको लेवल्स यहां से चेक करवा दे रहा हूं। लेवल्स में जो दोस्तों आप देखेंगे तो यहां से 90 कर लेना है आपको, 90 के आगे दोस्तों आपको स्ट्रॉन्ग सेल कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ साथ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको 50 कर लेना है, 50 के जस्ट सामने आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आपको कर लेना है 10, ठीक है। जैसे 10 के सामने यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बाय कर लेना है। तो कुछ इस तरीके की सेटिंग आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में कर लेना है, ठीक है गाइस। और यहाँ पर आप जो भी कलर्स यहाँ पर देना चाहें वो कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से 1, 2, 3 यानी 3 पिक्सल्स यहाँ से हमने कर लिए हैं, ठीक है। और सिंपली दोस्तों आपको यहां से कर देना है डन। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे ये तीन तरह की सेटिंग्स हमारी हो जाती है, यानी फर्स्ट मूविंग एवरेज, RSI, इसके बाद कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये तीन इंडिकेटर हमने यहां से यूज किए हैं दोस्तों। अब किस तरीके से आपको यहां से यूज करना है इसके बारे में समझ लेते हैं गाइस।
यहाँ से दोस्तों आप देखिए तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस यहाँ पे है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी कैंडलस्टिक चार्ट है उसको यहाँ पे मैक्सिमम जूम आउट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। क्या करना आपको, मैक्सिमम यहाँ पे जूम आउट कर लेना है। इसके बाद सेकंड कंडीशन दोस्तों, सेकंड कंडीशन आप देखेंगे चैनल में आप देखेंगे दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाय वाली जो लाइन है जो कि आपने 10 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, यहाँ पे आपकी ग्रीन एंड रेड दोनों ही लाइन यहाँ पे टच होना चाहिए इस वाली लाइन से, ठीक है। इस वाली जो हमारी लाइन है इस लाइन को टच करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय वाली लाइन से यहाँ पे अभी दोनों लाइन टच कर रही है, तो ये हमारी यहाँ पे सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन के लिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने RSI की लाइन है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यहाँ पे भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग बाय वाली लाइन को यहाँ पे मार्केट को कट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो लाइन है हमारी लाइन यहाँ पे इसने भी यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे फोर्थ कंडीशन भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब फोर्थ कंडीशन क्या है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से हमने जो हमारा एक यहाँ पे 10 पीरियड का यहाँ पे मूविंग एवरेज सेट किया है, ये भी हमारी इस कैंडल को ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे चार कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो फाइनली आप यहाँ से आपकी ट्रेड्स को यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बाय करोगे, ठीक है। क्या करना आपको, स्ट्रॉन्ग यहाँ से बाय करना है। तो दोस्तों जैसे आप बाय करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं कुछ इस तरीके के सिनेरियो आप देख पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करें दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया आपको मैक्सिमम यहाँ से आपके कैंडलस्टिक चार्ट को जूम आउट कर लेना है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग सेल नज़र आ रहा है, देखिए आप पे स्ट्रॉन्ग सेल आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी ग्रीन और रेड दोनों ही लाइन यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल यहाँ पे हो रही है। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, तो थर्ड कंडीशन की अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ से आप देखिए थर्ड कंडीशन के लिए स्ट्रॉन्ग सेल पे हमारा जो RSI का लेवल है, RSI का लेवल यानी कि 220 का जो लेवल हमने सेट किया है, इस लेवल को यहाँ से मार्केट टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मार्केट टेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या है, तो आप देखेंगे मूविंग एवरेज जो 10 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये हमारी कैंडल को ब्रेक डाउन करना चाहिए। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है क्या, तो ब्रेक डाउन नहीं नज़र आ रहा। तो दोस्तों हमें क्या करना, थोड़ा वेट करना है ब्रेक डाउन तक। तो आप देखेंगे गाइज यहाँ से हमारे लिए ब्रेक डाउन देखने को रहा है, तो फाइनली हम हमारे ट्रेड को यहां से प्लेस कर देंगे और आप देखिए दोस्तों कितना अच्छा आप यहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से ये बड़े ही सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों, बड़े ही आसानी के साथ आप इतना बड़ा यहां पे मूव कैच कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इस स्ट्रेटजी की मदद से। और दोस्तों आपको बता दें यहां से विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। चलिए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बहुत शानदार सिनेरियो देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ से चार्ट को जूम आउट कर लेना है मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको अपर लेवल पे कर ले रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ से देखिए आप यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कमोडिटी चैनल इंडेक्स आप देखेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग बाय हमारे लिए यहाँ से दे रहा है, क्या वो दे रहा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बाय दोनों ही लेवल यहाँ पे ग्रीन और रेड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय पे खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें सेकेंड कंडीशन क्या देखना है, सेकेंड कंडीशन यहाँ पर आप देखिए दोस्तों गौर करिए, यहाँ पे जो आपका RSI है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्ट्रॉन्ग बाय यहाँ पे दे रहा है, यानी बाय को यहाँ पे ब्रेक आउट कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे जो हमारा यहाँ से मूविंग एवरेज है 10 पीरियड का मूविंग एवरेज वाली लाइन भी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। फाइनली दोस्तों जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो हमारी ट्रेड को यहाँ पे बाय
स्ट्रॉन्ग बाय, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग बाय, स्ट्रॉन्ग बाय, तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से बाय कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल का स्टॉप लॉस रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम कुछ इस तरीके से अगर ट्रेड करते हैं इस स्ट्रेटजी की मदद से, तो देखिए आप कितना अच्छा यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आगे भी आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे भी इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख पाएंगे तो आपको एक और भी सीनेरियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बाय कब करना है, आपका जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला क्या, नहीं मिला, तो डेफिनेटली आपको जो फॉल सिग्नल है उनको भी आप बड़े ही आसानी के साथ दोस्तों यहाँ से फिल्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ पाए होंगे। यकीन करिए दोस्तों, अगर आप सही समझकर इस स्ट्रेटजी की मदद से ट्रेडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप यहां से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप चाहे जितना इसका बैक टेस्ट करिए, ठीक है, बैक टेस्ट करिए, इसके बाद आप इस स्ट्रेटजी को यूज करिए दोस्तों। किस तरीके से आपको यहां से सेटिंग्स रखना है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप इसका बैक टेस्ट करिए आपके डेमो अकाउंट पर, और इसके बाद अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से आपके रियल अकाउंट से आप यहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको नई और भी इसी तरीके की लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।